नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिना कटिंग किंग में। तो आज का मेरा जो टॉपिक है CSV कट, मतलब CSV कटिंग कैसे करें, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और साथ साथ में मैं बताऊंगा वन वे और टू वे के बारे में कि CSV वन वे कैसे कटिंग करें और टू वे कैसे कटिंग करें। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं बता देता हूँ CSV का फुल फॉर्म क्या है। तो CSV का फुल फॉर्म जो है वो है सेंटर टू सेलवेज सेड वेरिएशन। CSV का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर टू सेलवेज सेड वेरिएशन, ये CSV का फुल फॉर्म। तो अभी मैं बता देता हूं, ये आप लोग देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी मैं बता देता हूं CSV टू वे या प्लेन कैसे कटिंग करें। टू वे या प्लेन के लिए पहले मैं एक कपड़ा जैसे रहता है वैसा मैं मार्क करके रखता हूं। ये हमारा समझ लो फैब्रिक है, ये हमारा सेलवेज, ये हमारा सेलवेज मतलब किनारी वाला हिस्सा, ये हमारा किनारी वाला हिस्सा और ये भी हमारा सेलवेज, ये भी हमारा किनारी वाला हिस्सा, ये हो गया। और ये हमारा बीच वाला हिस्सा, ये हमारा सेंटर है और ये हमारा दूसरा वाला। अब CSV ऐसे ही रहता है, ये देखिए ये लाइट रहता है, ये लाइट रहता है, ये सेलवेज लाइट रहेगा, मतलब एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड ये भी लाइट रहता है, बट बीच में थोड़ा लाइट डार्क रहता है, मतलब हल्का सा डार्क रहेगा, उसी को हम CSV बोलते हैं, मतलब सेंटर टू सेलवेज सेड वेरिएशन, इसी को हम CSV बोलते हैं, हल्का सा डार्क रहता है। अगर CSV कट नहीं करेंगे तो हमारा पार्ट लाइट डार्क हो जाता है, जैसे कभी कभी देखना फ्रंट अलग रहेगा, पॉकेट अलग रहेगा, तो कभी सिलू अलग रहता है, तो कभी बैक अलग रहता है, तो इसी वजह से लाइट डार्क कट जाता है, वो पता नहीं चलता है। तो अगर आप CSV कट करोगे तो आपका एक भी पार्ट लाइट डार्क नहीं होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ CSV कट कैसे करें। तो CSV कटिंग करने के लिए आपको जो लेयर रहेगा, आपका जो लेयर रहेगा वो आप दो पीस का डाल सकते हैं, या तो चार पीस का डाल सकते हैं, या तो छह पीस का डाल सकते हैं, या तो आठ पीस का डाल सकते हैं, या तो दस पीस का डाल सकते हैं, बट इतना बड़ा बड़ा लेयर तो नहीं डालते, एक बार आठ पीस का चलेगा, बट दस पीस तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिलहाल दो पीस, चार पीस, छह पीस, आठ पीस, इतना पीस का ही CSV में आप लेयर डाल सकते हैं, और तीन पीस का, पांच पीस का, सात पीस का, नौ पीस का, 11 पीस का, ये CSV में ऐसा लेयर आप नहीं डाल सकते, ये कट नहीं चलेगा CSV में। तो चलिए फिलहाल मैं चार पीस का लेयर बता देता हूँ आप लोगों को। हमारा जो पहला लेयर रहेगा वो SML XL, ये चार साइज का लेयर रहेगा हमारा। तो कैसे कटिंग करें इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो हमारा CSV का जो रहेगा वो XL और S रहेगा और M और L एक साथ रहेगा। तो ये हमारा टू वे में, ये जो हमारा टू वे कटिंग रहेगा उसमें कैसे मार्किंग करें CSV का। तो ये हमारा जो XL का, मान लो इधर हमने फ्रंट मारा, ये हमारा XL का फ्रंट हो गया, फ्रंट हमने इस साइड मारा, CSV का फ्रंट का टॉप साइड जो रहेगा आर्मोल साइड वो इस साइड मारा। तो XL का जो बैक रहेगा हमारा, उसका टॉप साइड जो रहेगा वो हमारा इस साइड रहेगा, ये ऐसा अपोजिट मारते हैं, एक उधर मारेंगे तो एक इधर मारेंगे, ये इसलिए मारते हैं क्योंकि इसका सेलवेज और इसका सेलवेज जब वो साइड में जाएगा तो ऐसे स्टिच होएगा, तो इसका सेलवेज मतलब इसका किनारी, बैक का किनारी और फ्रंट का किनारी, वो आके दोनों एक साथ अटैच होएगा, तो मतलब ये दोनों किनारी जब सेम हो जाएगा तो लाइट डार्क का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर किनारी घूमा, ये किनारी इधर आया और इसका किनारी उधर गया, तो मतलब 100% लाइट डार्क होने वाला है, तो इसी की वजह से ये लाइट डार्क नहीं होता, ये बैक हो गया। अब इसी का टू वे में जो रहेगा CSV, ये पूरा जैसे बैक हो गया, हमारा पार्ट कितना रहता है, पहले पार्ट लिख लेते हैं हम। हमारा जो शर्ट का पार्ट रहता है फ्रंट रहता है, दूसरा बैक रहता है, तीसरा जो रहेगा वो हमारा सिलू रहेगा, चौथा जो रहता है वो हमारा शोल्डर रहता है, पांचवा जो रहता है हमारा कॉलर हो गया, छोटा पार्ट रह गया, और छठा जो हो गया हमारा पॉकेट हो गया। ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉकेट, क्योंकि पॉकेट हमारा सामने ही लगता है, और अगर आपका फुल सिलू है तो कफ भी लगेगा, और अगर हाफ सिलू नहीं है, हाफ सिलू है
तो कफ की कोई जरूरत नहीं, बट अगर फुल स्लीव है तो कफ लगता है। बट पॉकेट तो मेन रहता है भाई, पॉकेट को आपको फ्रंट के सामने ही लेना रहता है सीएसबी में, तभी आपका पॉकेट एकदम परफेक्ट आएगा। तो चलिए ये बैक हो गया, फ्रंट हो गया एक्सेल का, सेम उसी तरीके से एस का भी मार दीजिए इधर, इधर एस का बैक फ्रंट दोनों इधर हो गया। अब इसका स्लीव भी इधर मारिए, एस और एक्सेल का स्लीव भी इधर मारिए, ये हमारा हो गया स्लीव दोनों साइड का। बट स्लीव कैसे मार्किंग करना है, जैसे अगर बैक का टॉप इधर है, मान लो हमारा एक्सेल का बैक जो है वो उसका टॉप साइड इधर है, तो हमारा स्लीव इधर ही रहेगा भाई, एक्सेल का जो स्लीव रहेगा उसका जो आर्म होल का ये ऊपर वाला साइड वाला सीन रहता है, ये ऊपर टॉप वाला साइड इधर ही रहेगा, एक्सेल के बैक का टॉप ऊपर है तो स्लीव भी ऊपर ही रहेगा। आप ऐसा नहीं मारेंगे, ऐसा मारने पे वो गलत हो जाएगा, इसका टॉप जो रहेगा वो ऊपर में ही रहेगा। और एस का जो मारना फ्रंट, जैसे अभी एक्सेल का फ्रंट इधर मारे तो एस का जब भी फ्रंट मारोगे तो आप इधर मारना, और एस का जब भी बैक मारोगे तो बैक का मुंह इधर हो जाएगा। तो मतलब अगर एस का स्लू मारोगे आप तो स्लू का मुंह इधर हो जाएगा ये साइड, मतलब एक स्लू इधर एक स्लू इधर, और साइड में आप बैंड वगैरह मार सकते हो ताकि आपका वेस्टेज बचे। ये हो गया, उसके बाद आपको इधर ही शोल्डर भी मारना रहेगा, ये जो आपका शोल्डर है ये भी आपको दोनों साइड इधर ही मारना रहेगा, मतलब इधर ही आधे पार्ट में, ये जो हमारा आधा पार्ट है, आधा पार्ट में एस और एक्सेल मारना उधर, और आधे पार्ट में सेम ऐसे ही ये हमारा ये हमारा एम और एल सेम ऐसे ही मारना है, इधर भी फ्रंट मारना रहेगा एक्सेल के जैसा, इधर फ्रंट मार दिए तो एल का बैक भी इधर मार दिए, तो ऐसे ही एम का मारना है, मतलब सेम ही ऐसे मारना रहेगा। ये हो गया हमारा टू वे सीएसबी मार्किंग। अभी मैं आपको बताऊंगा वन वे सीएसबी मार्किंग कैसे करें। वन वे में बहुत डिफरेंट है सीएस, ये टू वे में तो एकदम ईजी था, बट वन वे में बहुत ही हार्ड रहता है, तो चलिए मैं वन वे में बता देता हूँ। फिलहाल आप लोग ये देख लीजिए, आप लोग ने ये देख लिया, चलिए मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा वन वे कैसे मार्किंग करें। फिलहाल मैं ये मिटा देता हूँ। तो गाइस अभी मैं वन वे का फेब्रिक बना देता हूँ, वह वन वे का जो पन्ना रहता है उसका भी मैं ड्रॉइंग कर देता हूँ। ये देखिए ये हमारा फेब्रिक है, ये हमारा ये सेलवेज हो गया, ये वाला किनारी हो गया, और नीचे वाला भी सेलवेज हो गया, ये वाला किनारी हो गया, और ये हमारा कपड़े का पन्ना है, और ये हमारा हो गया सीएसबी का सेंटर। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा सीएसबी का सेंटर। तो वन वे में भी आपको लेयर सेम ही लगाना रहता है, जैसे टू वे में लगाए वैसे वन वे में भी लगाना रहता है, पार्ट वगैरह तो लिखना नहीं पड़ेगा, लेयर सेम लगाना पड़ेगा, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा लेयर आपको नहीं लगाना है सीएसबी में, चाहे वो टू वे रहे या वन वे रहे, आपको 2, 4, 6, 8, 10 छः भी एक बार नहीं लगाओगे तो चलेगा, बट एमरजेंसी रहेगा तो 6 का लगा सकते हो, नहीं तो 2, 4, 8 और 10 का भी नहीं, 2, 4, 8 यही सीएसबी का कट रहता है जो परफेक्ट माना जाता है। तो चलिए फिलहाल मैं बता देता हूँ चार साइज फिर से, वही अपना एस एम एल एक्सएल, इसमें वन वे में कैसे कटिंग करें या वन वे में कैसे मार्किंग करें सीएसबी का, और मैं वीडियो है वो भी लगा दूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे मार्किंग होता है वन वे का, एकदम परफेक्ट से देखिए उसको कैसे मार्किंग किया हूं मैं। तो वन वे का जो फेब्रिक रहता है वो हमारा ऐसे ऐसे रहता है, एक ही साइज का रहता है, एक ही तरफ जाता है, उसी को बोलते हैं वन वे कटिंग, वो उसका भी मैं फोटो लगा दूंगा स्टार्टिंग में, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ वन वे में कैसे मार्किंग करें, वन वे में बहुत हार्ड रहता है। तो वन वे में भी वैसे सेम आप लीजिए पैटर्न, एस और एक्सेल का और एम और एल का नीचे। तो एक्सेल का जो रहेगा हमारा, चलिए पहले एक्सेल का हम फ्रंट ही मारेंगे, इधर हमने एक्सेल का फ्रंट मार्किंग कर लिया, अभी वन वे में इधर गया वन वे, तो हम एक्सेल फ्रंट का टॉप इधर रखते थे, तो बैक का टॉप इधर रखते थे, मतलब उसके अपोजिट रखते थे, तब जाके उसका सेलवेज मिलता था तो परफेक्ट आता था। बट अभी ये वन वे है, वन वे में अगर हम इसको बैक को अगर ऐसा मार दिए तो ये वन वे हमारा घूम जाएगा, तो इसको इधर नहीं मारने का है, इसको आपका जो वन वे रहेगा फेब्रिक वो एक्सेल का जो रहेगा, ये एक्सेल का बैक इधर आपको मारना है,
एक्सेल का बैग आपका टॉप इधर रहेगा, मतलब एक्सेल का बैग ए सेल वेज में मारना है, नीचे वाले सेल वेज में मारना है, मतलब नीचे वाले किनारे में मारना है, और एक्सेल का फ्रंट ऊपर वाले सेल वेज में मारना है, मतलब इधर। अभी इसका टॉप जो गया है वो इधर गया, और बैग जो गया ये इधर गया ये साइड। तो इसका जो ये जो किनारी रहेगा, इसका किनारी और इसका किनारी, ये दोनों किनारी आके फिर सेम हो जाएगा, मतलब फिर लाइट डार्क का टेंशन खत्म। तो ये हो गया बैक का। अभी बात करेंगे हम, बैक हो गया, अभी इसे एस का भी मारना रहेगा आपको। एस का फ्रंट अगर आप इधर मारे तो बैक एस का इधर मारना पड़ेगा, और यल का अगर फ्रंट इधर मारे, यल का फ्रंट इधर मारे तो यल का बैक इधर मारना पड़ेगा आपको। ये हो गया। अब सिलू कहाँ मारे, शोल्डर कहाँ मारे, कॉलर कहाँ मारे, पॉकेट कहाँ मारे, ये सब थोड़ा बहुत ही हार्ड होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, हमारा फ्रंट हो गया, बैक हो गया, अब बात सिलू का करते हैं। सिलू कहाँ मारे, बैक साइड में मारे या फ्रंट साइड में मारे? तो सिलू आपको मारना है बैक साइड में। अगर मान लो एक्सेल का आपको मारना है, तो एक्सेल का फ्रंट जो है ऊपर में है और एक्सेल का बैक नीचे है, तो सिलू जब भी आप मार्किंग करें तो एक्सेल के बैक साइड, तो बैक कहाँ आपका, ये सेल वेज में है, तो मतलब सिलू आपको एक्सेल का जो सिलू रहेगा वो इधर मारना है आपको, दोनों सिलू एक्सेल का इधर ही मारना है। एक्सेल का सिलू हो गया, ऐसे ही आपको एस का सिलू मारना है, एल का जो बैक रहेगा एल का सिलू इधर मारना रहेगा आपको, ये सेल वेज में, एम का सिलू ये सेल वेज में मारना रहेगा। तो चलिए, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, अभी सिलू हो गया, अब बात आ गई शोल्डर का। तो शोल्डर कहाँ मारे, तो शोल्डर कहाँ अटैच होता है आपका, बैक में, तो जिधर बैक मारोगे उधर ही शोल्डर भी मारना है, मतलब सिलू के साइड में शोल्डर भी। तो जहां मान लो हमारा एक्सेल का जो बैक है, तो इधर ही हमको शोल्डर भी मारना है। ये हो गया हमारा शोल्डर एक्सेल का एस का। तो सेम उधर, अगर इधर हम एम और एल का फ्रंट इधर मारे, तो एम और एल का बैक इधर मारे हम, तो इसका भी शोल्डर इधर मारेंगे, एम और एल का शोल्डर जो है वो हम इधर मारेंगे। अब बात आ गई पॉकेट का, पॉकेट कहाँ अटैच करें, पॉकेट कहाँ मार्किंग करें, तो पॉकेट कहाँ लगता है, फ्रंट में लगता है, तो मतलब फ्रंट वाले साइड में मारना है। फ्रंट वाले साइड में कहाँ मारना रहेगा, जो काज पट्टी का, जैसे जहां काज पट्टी रहेगा, अगर काज पट्टी आपका ये एरिया में आ रहा है, तो उसके ही जस्ट सामने, आप नीचे नहीं मार सकते, उसके सामने ही आपको पॉकेट मारना रहेगा। जिधर आपका काज पट्टी आता है उधर ही आपको पॉकेट मारना रहता है, क्योंकि सीएसबी जो रहता है ना, ऐसे सीधे में रहता है, बहुत ही बारीक रहता है, समझ में नहीं आता है, कटने के बाद ही जाके जब अटैच होता है तब लाइट डार्क दिखता है, इसे नहीं लाइट डार्क दिखता है। तो आपको पॉकेट भी कहाँ मारना है, से सीधा उसके सामने ही मारना है। तो हमारा पॉकेट का भी हो गया, अब बात कॉलर की आई, कॉलर अटैच, कॉलर कहाँ मार्किंग करें, तो कॉलर भी हमारा फ्रंट में रहता है, तो कॉलर को भी हम फ्रंट साइड में ही मारेंगे। तो हमारा एक्सेल का और एस का, एक्सेल और एस का ये हो गया हमारा कॉलर, ये हमारा फ्रंट साइड में मार्किंग होएगा। अब बात पॉकेट का तो हो गया, कफ का, अगर आपका फुल सिलू है तो कफ आप सिलू साइड में मारिए, क्योंकि कफ हमारा सिलू में अटैच होता है, तो कफ कहाँ मारिएगा, आप सिलू में मारिएगा, और अगर हाफ सिलू है तो टेंशन ही नहीं है। बस यही जानकारी था, बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।